अब सिविल न्यायालय का क्षेत्र अधिकार कितने प्रकार का होता है, या सिविल न्यायालय किस वाद को सुनता है, या उसको सुनने की सक्षमता क्या होती है? क्षेत्राधिकार डिसाइड करने के लिए सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चार भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन यह अराइज होता है कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है, तो सबसे पहले हम ये पूछ हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि क्षेत्राधिकार होता क्या है। क्षेत्राधिकार से तात्पर्य किसी भी वाद को या विधिक कार्रवाइयों को सुनने, उसका विचारण करने और उसको पूर्ण रूप से निपटारा करने की शक्ति क्या है? क्षेत्राधिकार है, यानी किसी भी वाद या विधिक कार्रवाई को एक्सेप्ट करना, उस पर विचारण करना और उस पर अंतिम निर्णय करना ही क्या है? क्षेत्राधिकार कहलाता है। तो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्षेत्राधिकार आता है स्थानीय क्षेत्राधिकार, यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थान विशेष से संबंधित क्षेत्राधिकार। जैसे जिला न्यायालय को संपूर्ण जिले में आने वाले वादों को सुनने की अधिकारिता होती है। हाईकोर्ट, राज्य की हाईकोर्ट को राज्य पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं, यानी एक राज्य में उत्पन्न होने वाले सारे वादों को हाईकोर्ट सुन सकता है, यानी राज्य सरकार के द्वारा स्थान विशेष निश्चित कर दिया जाता है। जैसे बीकानेर जिला न्यायालय बीकानेर जिले के संपूर्ण वादों को सुनेगा, नापासा क्षेत्राधिकार, ये क्षेत्राधिकार राज्य सरकार के द्वारा डिसाइड कर दिए जाते हैं राजपत्र में कि इस क्षेत्र की स्थानीय अधिकारिता कौन से न्यायालय को होगी। कोलायत का है तो कोलायत की होगी, लूणकंसर का है तो लूणकंसर की होगी, यानी स्थान विशेष तय कर दिया जाता है कि कौन से न्यायालय को कौन से स्थान की वादों को सुनने की अधिकारिता होगी, यानी उसको वाद को ग्रहण करना, उस पर विचारण करना और उसका पूर्णतः निपटारा करने की अधिकारिता होगी, स्थानीय अधिकार। सेकंड अधिकारिता आती है विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। विषय वस्तु संबंधी यानी कौन से मैटर्स कौन सा न्यायालय सुनेगा, ये राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी करती है कि कौन से क्षेत्राधिकार कौन से विषय वस्तु वाले मामले कौन से न्यायालय सुनेगा। तो लघुवाद न्यायालय होता है वो छोटे मैटर्स ही सुनता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद सुनने की अधिकारिता नहीं होती है। लेकिन जिला न्यायालय को पारिवारिक वादों को सुनने की अधिकारिता होती है। अगर कहीं पर पारिवारिक न्यायालय स्थापित किया हुआ है तो वहां पर जिला न्यायालय पारिवारिक मामलों को नहीं सुनेगा, फिर वो पारिवारिक न्यायालय ही सुनता है। यानी पारिवारिक मामले कौन से होते हैं? विवाह विच्छेद से संबंधित, दाम्पत्य पुनर्स्थापना से संबंधित, भरण पोषण से संबंधित, संरक्षकता से संबंधित, इन सब वादों की अधिकारिता फिर किसे चली जाती है? पारिवारिक न्यायालय को चली जाती है। जिला न्यायालय को सुनने की अधिकारिता नहीं रहती है जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थापित किया गया है। जिला न्यायालय कौन कौन से वाद सुनता है? जैसे परिवार से संबंधित मामले अगर कहीं पर पारिवारिक न्यायालय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, संविदा भंग से संबंधित, संविदा के स्पेसिफिक पालन करवाने से संबंधित, भागीदारी के विघटन से संबंधित, हक शुफा से संबंधित, प्रशासन से संबंधित आदि वादों की विषय वस्तु जिला न्यायालय को प्रदान की गई है। थर्ड आती है आर्थिक अधिकारिता। आर्थिक अधिकारिता या आर्थिक क्षेत्राधिकार हर राज्य की आर्थिक अधिकारिता अलग अलग होती है। उत्तर प्रदेश की अलग होती है, राजस्थान की अलग होती है। तो राजस्थान में लघुवाद न्यायालय नहीं है।
साधारणतः उत्तर प्रदेश में जो लघुवाद न्यायालय स्थापित थे उन्हें साधारणतः 1,000 रुपए तक के वादों को सुनने की अधिकारिता प्रदान की गई थी, लेकिन राजस्थान में लघुवाद न्यायालय नहीं है। तो राजस्थान में जो न्यायालय है उनको क्या अधिकारिता है, कौन से वादों को वो सुन सकता है? तो सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड, सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड 2 लाख तक की आर्थिक अधिकारिता उसको प्रदान की गई, यानी सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड। ऐसा कोई वाद जिसकी विषय वस्तु का मूल्य 2 लाख रुपए तक का हो, उन वादों को सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड सुन सकता है अंतिम रूप से, यानी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है 2 लाख तक का। और सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड की आर्थिक अधिकारिता कितनी है? 2 लाख से 5 लाख रुपए तक के वादों को सुनवाई करना और उन पे अंतिम निपटारा करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड को दी गई है, यानी 2 लाख से ऊपर के जो वाद होंगे, लेकिन 5 लाख तक के वादों को सुनने की अधिकारिता किसे है? सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड को प्रदान की गई है। अब 5 लाख से ऊपर के वादों को कौन सुनेगा? जिला न्यायालय सुनेगा, यानी जिला न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता 5 लाख से स्टार्ट होती है। 5 लाख से ऊपर के कोई भी वाद हो, उन आर्थिक अधिकारिता उन वादों पर जिला न्यायालय को प्रदान की गई है। फोर्थ अधिकारिता आती है आरंभिक और अपीलीय अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता यानी जहां पर वाद सर्वप्रथम फाइल किया जाता है वो न्यायालय होता है आरंभिक अधिकारिता वाला। और अपीलीय अधिकारिता वाला न्यायालय कौन सा होता है? जिसमें डिग्री की अपील की जाती है, यानी जिसको अपील सुनने का अधिकार होता है वो अपीलीय अधिकारिता। तो कुछ ऐसे न्यायालय हैं जिनको सिर्फ आरंभिक अधिकारिता प्रदान की गई है, जैसे सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड, सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड। लेकिन कुछ ऐसे न्यायालय हैं जिनको दोनों प्रकार की अधिकारिता प्रदान की गई है, जैसे जिला न्यायालय। जिला न्यायालय आरंभिक अधिकारिता मैंने जैसे बताया 5 लाख से ऊपर के मामले कौन सुनेगा? जिला न्यायालय सुनेगा, या जिले के अंतर्गत जो स्थानीय अधिकारिता आती है वो जिला न्यायालय सुनेगा। लेकिन जिला न्यायालय को अपीलीय अधिकारिता भी प्रदान की गई है, यानी सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड और सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड के द्वारा अगर कोई डिग्री पारित की जाती है तो उस डिग्री की अपील कहाँ पर होगी? जिला न्यायालय में होगी। और ऐसे ही राज्य का हाई कोर्ट, राज्य के हाई कोर्ट को भी आरंभिक अधिकारिता और अपीलीय अधिकारिता दोनों प्रकार की अधिकारिता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता प्रदान की गई है, या प्रोबेट से संबंधित जो मामले होते हैं या ट्रेडमार्क से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें हाई कोर्ट को आरंभिक अधिकारिता प्रदान की गई है। और अपीलीय अधिकारिता, जिला न्यायालय के निर्णय की डिग्री की अपील कहाँ पर होगी? हाई कोर्ट में होगी। तो हाई कोर्ट को दोनों प्रकार की अधिकारिता प्रदान की गई है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को भी दोनों प्रकार की अधिकारिता प्रदान की गई है। तो क्षेत्राधिकार को चार भाग, सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। क्षेत्र यानी कोई भी वाद फाइल करने से पहले जब वाद पत्र में न्यायालय का नाम भरा जाता है, तो न्यायालय का नाम भरने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस न्यायालय को वो क्षेत्राधिकार प्रदान तो है, प्राप्त तो है। अगर क्षेत्राधिकार ही नहीं होगा और हम गलत वाद लगा देते हैं किसी न्यायालय में तो वो न्यायालय वाद को नहीं सुन सकता। इसलिए वाद पत्र फाइल करने से पहले न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को देखना आवश्यक है। सही क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही वाद फाइल किया जाना चाहिए। सेक्शन 3 में बताया है न्यायालय के क्रम बताए हैं। मैं शुरू से बताती हूं। सबसे पहले उच्च श्रेणी का न्यायालय कौन से होता है?
सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय होता है, उससे लोअर कौन होता है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है राज्य का, उससे नीचे कौन सा न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय से नीचे का लोअर कोर्ट कौन सा होता है, सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड होता है, उससे लोअर कोर्ट कौन सा होता है, सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड। तो एक श्रृंखला है, या तो आप ऊपर से स्टार्ट करो या आप नीचे से स्टार्ट भी कर सकते हो, जैसे सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड, उससे ऊपर का न्यायालय कौन सा होता है, सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड, दोनों से ऊपर का न्यायालय कौन होगा, जिला न्यायालय, उससे ऊपर उच्च न्यायालय और उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। जिला न्यायालय किसके अधीनस्थ रहता है, हाई कोर्ट के अधीनस्थ रहता है, और सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड और सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड जिला न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों के अधीनस्थ रहते हैं। थैंक यू सो मच।